आप एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारे YouTube चैनल द झुंझुनू पर। हम लगातार राजस्थान हरियाणा बॉर्डर जो दिल्ली और जयपुर का हाईवे है उस पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये मंच लगा हुआ है, सामने बॉर्डर, बीच में जो बैरिकेडिंग ये की गई है ये बॉर्डर है। इस साइड में जाम खड़े हैं वो राजस्थान है, इस आगे हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। सामने बोर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे जहाँ से यहाँ जिस जगह हम आए वहाँ से गुड़गांव 74 किलोमीटर है, रेवाड़ी 22 किलोमीटर है, बावल जो यहाँ एक नजदीकी एक जगह पड़ती है वो 10 किलोमीटर है। हम यहाँ खड़े हैं, ये धरना स्थल है और यहाँ पे रोज की ये जो दिनचर्या है इस किसान आंदोलन की वो समझाने के लिए आज मैं आपके साथ इस वीडियो को लेके आया हूँ। सुबह सुबह जब लोग उठ जाते हैं, किसान है, किसानों की दिनचर्या हमेशा ये होती है सुबह जब सूर्योदय होता है उससे पहले लोग बाग उठ जाते हैं, तो यहाँ लगभग 3 बजे से और अच्छी चहल पहल यहाँ के पूरे कैंपस में हो जाती है। जैसा आपने हमारे पहले के वीडियो में देखा लगभग 2-3 किलोमीटर 3-5 किलोमीटर मैं कहूँगा यहाँ तक इस दायरे में काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ टेंट लगे हुए हैं, हर टेंटों पर झंडे लगे हुए हैं झंडों में, और उसके साथ ये लगता है कि यहाँ पे कौन किसान कहाँ से आया वो रुका हुआ है। कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपने सोते हैं, कुछ लोग टेंटों में सोते हैं, और उसके बाद जब सुबह वो उठते हैं अपने दैनिक नित्य कार्यों से वो फारिग होने के बाद में यहाँ जो लंगर लगे हुए हैं उन लंगरों में चाय नाश्ते की पूरी व्यवस्था रहती है। सुबह किसानों के लिए हलवा पकौड़ी और विभिन्न तरह के देसी घी में बने हुए लड्डू जिन्हें पिनिया बोला जाता है वो सभी किसानों के लिए नाश्ते का प्रबंध होता है। उसके बाद धीरे धीरे सारे किसान हैं वो अपने टेंटों से निकलकर, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं धरना स्थल है, सभा स्थल है जो बिल्कुल बैरिकेडिंग के पास है, राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर के पास में है। यहाँ पे सभी किसान हैं वो इकट्ठे होने लगते हैं। उसके बाद किसान नेता, किसान जो भी लोग अपनी बात रखना चाहिए, खुला मंच है। और इसके पीछे आप खास करके एक जो बात आपको मैं बताऊंगा वो देखने लायक ये है कि पीछे तिरंगा झंडा लगा हुआ है। हालांकि विभिन्न संगठनों के जो किसान संगठन है उनके भी झंडे लगे हुए हैं, लेकिन खास करके तिरंगा लगा हुआ है और मंच के पीछे एक बैनर लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा जयपुर दिल्ली हाईवे। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किसान जो संगठन है, और किसान संगठन है वो राजनीति में भागीदारी जरूर रखते हैं लेकिन राजनीति में कभी खुद चुनाव किसान जो संगठन है वो नहीं लड़ते। राजनीतिक पार्टियों की बात दूर है और राजनीतिक पार्टियों का यहाँ कोई बैनर नहीं है, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है। और किसान है यहाँ पे सभा स्थल पे अपनी बात रखते हैं और यहाँ के जो भी किसान यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं उनको मोटिवेट किया जाता है कि किस तरीके से ये जो कानून है कृषि से संबंधित वो हमारे लिए गलत है और उनको वापस लेने के लिए क्यों हम विरोध कर रहे हैं। ऐसा जो भी युवा आए हुए हैं उनको भी मोटिवेट किया जाता है ताकि वो आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाते जाएं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे अभी जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हो रही है। आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे किसान हैं वो अपने टेंटों से निकलकर और यहाँ पहुंच रहे हैं। ये मेरी तरह दूसरी तरफ आप मेरे से दूसरी साइड में आप जो देखोगे ये दिल्ली से रास्ता आ रहा है और दिल्ली से जो साइड की जो लिंक सर्विस रोड जिसे अपन बोलते हैं सर्विस रोड है, दोनों साइड की जो सड़कें हैं 6 लेनी है हाईवे थी इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, सर्विस रोड है उससे कुछ गाड़ियां गुजर रही हैं। यहाँ से बड़े वाहन गुजरने का कोई रास्ता नहीं है, छोटी गाड़ियां हैं वो सिर्फ यहाँ से आ जा सकती हैं। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि एक बार आपको जरूर दिखाएं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है और रास्ता बीच में छोड़ा है, यहीं टेंट लगा हुआ है, पुलिसकर्मी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए बैठे हुए हैं। इधर राजस्थान पुलिस के जवान हैं, आरएसी के जो जवान हैं वो बैठे हैं, और बॉर्डर के उसी पार अगर अपन देखना चाहें तो उधर हरियाणा पुलिस के जवान हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, आपस में जबरदस्त समन्वय है। हालांकि सरकार के आदेशानुसार यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है लेकिन पुलिसकर्मी हैं वो भी लगभग हमने जो यहाँ घूम के देखा है सभी पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ जो किसान आंदोलन में शामिल किसान हैं उनके जो कैंप हैं वहीं खाना खाते हैं।
कुछ साथियों को अपनी बात रखने के लिए हम आमंत्रित करेंगे। अभी आज जो अंदर से बैठे हमारे साथी है, वही साथ ही मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि एक बार वापस जो पीछे की साइड का एरिया है वो आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ दूर दूर तक जहाँ तक हमारी नजर जाती है वहाँ तक सिर्फ किसानों के टेंट और झंडे लगे हुए हैं। टेंटों में लोग बाग रह रहे हैं। इन सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे अगर किसान को सोना पड़ रहा है, उसकी वजह यह है कि मोदी सरकार द्वारा जो 3 किसान बिल लाए गए हैं वो किसान विरोधी है, ऐसा इन किसानों का मानना है। और इन बिलों के बारे में क्या आपको विस्तार से अगले वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे, जितना हमने अटेंड किया है। एक बार कोशिश करते हैं कि मंच के नजदीक पहुंचते हैं और वहां किस तरीके से कौन कौन बोल रहा है, कौन नेता यहां आए हुए हैं और क्या अपनी बात रखते हैं, ऐसा हम प्रयास करते हैं। अपने तमाम जो वॉलंटियर साथी है उनसे निवेदन है कि यहाँ पुराना जो अपना मंच है उसके सामने साथियों के बैठने की व्यवस्था करें। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि जो भी लोग माला पहने हुए हैं एक बार उनको दिखाएं। ये सभी लोग वो हैं जो रोज अनशन पे अलग अलग व्यक्ति अनशन पे बैठते हैं। इन बिलों के विरोध में किसानों की जो मांग है उनके समर्थन में यहाँ पे जिन लोगों ने माला पहन रखी है वो रोज लोग अनशन पे बैठते हैं यहाँ पे। किसानों की बड़ी संख्या धीरे धीरे और जो लगातार कैंप लगा हुआ है वो काफी दूरी तक है, वहाँ से आने के लिए अपने ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं। युवा हैं वो बड़े उत्साहित हैं। मैं मेरे सहयोगी से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से ना किसान अपने डिवाइडर को समझ रहे हैं। जिस तरीके से जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हो रही है तो वास्तव में माहौल देखने लायक है। और जिस जगह हम खड़े हैं एक हाईवे जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और दिल्ली को जोड़ता है, उस हाईवे पे आज किसानों का ये हुआ देखते